स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजीर भाई गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। मैकेनिक दोस्तों, मेरे पास ये यामा की क्रैक्स बाइक है और इसमें प्रॉब्लम हो रहा है हैंडल रेसर की। तो मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था हैंडल रेसर फीडिंग करने का तरीका, तो ये वीडियो काफ़ी चल रहा है। तो मैंने यामा बाइक का नहीं बनाया था, इसमें सुपर स्प्लेंडर का बनाया था, लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊँगा यामा बाइक का जो हैंडल का प्रॉब्लम होता है, काफ़ी सारे मैकेनिक को प्रॉब्लम करते हैं, जो न्यू रेसर फिटिंग करने के बाद भी गड्ढे में गिरने के बाद घड़ घड़ करके आवाज़ आता है और उसमें प्रॉब्लम होता है। तो मैकेनिक भाइयों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जो यामा बाइक की हम लोग का हैंडल रेसर किस तरह से फिटिंग करें या सेटिंग करें। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो मैकेनिक भाइयों, आसान तरीका आप लोगों को बताऊंगा और 100% आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों, ये जो हम लोगों का रेसर होता है, ये लगा हुआ रहता है टीपर लगा हुआ रहता है। तो ये रेसर गड्ढे में गिर गिर कर ये ख़राब हो चुकी है। अगर ये रेसर को हम अगर डाल दें और पुरानी वाली को डाल दें तो बाइक में दिक्कत होता है। क्या हम लोग अगर ज़्यादा टाइट करें तो हैंडल जंप हो जाएगा और ढीला रखें तो हैंडल में प्रॉब्लम होगा। तो हमारा रेसर पूरा दिखाइए, थार है, हम न्यू डालेंगे क्योंकि ख़राब हो चुकी है। और अगर एक बार हम अगर हैंडल का काम करें तो 2-5 साल आराम से जाएगा, लेकिन इसके लिए हम लोगों को 5 साल अगर हमको ले जाना है तो जैसे कि साल में एक बार हम लोगों को लुब्रिकेंट करवाना पड़ता है, ग्रीज करना पड़ता है। यह हमारा ओरिजिनल जेनुइन यामा कंपनी का है, 225 रुपया इसका कीमत है और इसमें सारे कुछ हमको रेसर में मिल जाते हैं। तो चलो हम आपको दिखाते हैं, यह हमारा न्यू रेसर और ये भी देखिए। अब इसको लगाने का तरीका बताऊंगा और लगाने के बाद एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होता है वो लास्ट में आपको बताऊँगा और 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलो हम सेटिंग करते हैं किस तरह से, वो आप देख लीजिए। तो मैकेनिक दोस्तों, ये जो रेसार है हम लोगों का लगेगा इस जगह पर और ये छोटा वाला इस जगह पर। इसको ठोकने का हम तरीका आपको बताए, सही तरीका किस तरह से हम लोग सेटिंग करें। तो ये जो हम लोगों का रेसार ठोकने का पुलार है यामा बाइक के लिए हम लोगों का बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि R15 में भी इसका ज़रूरत होता है और यामा की जितना भी बाइक है इसको ही हम यूज करेंगे। तो चलो हम सेटिंग करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से आप लोग सेटिंग करें। इस वाले को हम थोड़ा इसमें भर देंगे और नहीं जाएगा अभी, तो हम पुलार की मदद से इसको ले जाएंगे बाद में। तो चलो इसे भी हम लोग ठोकते हैं तो ये अंदर फ्री जाएगा, लेकिन इसके लिए हमको पुरानी जो रेसार है इसके लिए थोड़ा हमको शेडिंग करना पड़ता है। जो सबसे पहले हम पुलार नहीं लगाएंगे क्योंकि पुलार लगाने से ये ठेढ़ा चल जाएगा, तो थोड़ा हम इसे शेडिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से पुलार से हम लोग जाए। तो ये हम लोग थोड़ा जैसे कि हल्का करके ये ठोक के भर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत जा चुकी है और भी थोड़ा टेढ़ा है, इसे सीधा कर लेता हूँ कहाँ कहाँ टेढ़ा है। बस अब इसको हम पुलार की मदद से इसे टाइट। तो चलो इस नाट को खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं सही तरीका। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे डालते हैं, डालने के बाद इसको हम यहाँ पुश करेंगे और पुराना वाला दीजिए, ये पुराना वाला जो रेसार है इसको डालेंगे यहाँ पर। और एक चीज़ आपको धर के रखिए, इसे इसको भरेंगे इस जैसा, ठीक है। तो चलो इसे भर लेते हैं और इस नाट को लगाते हैं। टाइट करो, टाइट करो। यहाँ हम लोगों को देखना पड़ेगा जो ठीक से बैठा हुआ है कि नहीं। तो चलो इसे थोड़ा बैठा देता हूँ, बस बैठ चुकी है। अब नीचे हम देखेंगे जो नीचे हमारा रेसर ठीक से बैठा हुआ है कि नहीं। चलो इसे भी सेटिंग कर लिया है। तो चलो अब नाट को फाइनली हम लोग टाइट करेंगे। बस
अब मैकेनिक दोस्तों, ये जो हम लोग का रेसार है, अब हम इसको टाइट करेंगे और ये खींचता आएगा और हम लोग का रेसार 100% पूरा जाम हो जाएगा। नीचे जा रहा है, बस, और ये टाइट नहीं हो रहा है, और ये टाइट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम लोगों का रेसार चल चुकी है। अब थोड़ा इसे हम पुश कर लेता हूँ, अब देखते हैं सही तरह से। बस ये जा चुकी है, अब मेरा रेसार सेटिंग हो चुकी है, तो चलो रेसार को खोल लेते हैं। दोस्तों आप लोग देखा है, ये 100% जा चुकी है। अब नीचे वाला देखिए, हम लोगों का रेसार जो है एकदम चारों तरफ एकदम अच्छी तरह से ये जा चुकी है। हम आपको दिखा देते हैं फोकसिंग करके, तो देखो चारों तरफ जा चुकी है, ठीक है। तो रेसार हमारा फीड हो चुकी है, तो आप लोगों ने देखा रेसार लगाने का सही तरीका यही होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा गलती कर देता है ये जो नीचे वाला रेसार है, इसको ठोकने का तरीका गलत हिसाब से ठोकते हैं और ये थोड़ा टेढ़ा भर के इसके अंदर शेडिंग खाते हैं और हैंडल का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। अब हम आपको बताते हैं टी में जो रेसार है हम लोग किस तरह से इसको फेडिंग करें। तो टी वाला रेसार दीजिए, तो चलो ये वाला रेसार हम दुकाते हैं और इसका जो पुराना वाला रेसार है इसको हम अटैच करेंगे, ठीक है। इसको लगा दिया और कैमरा पकड़िए, तो चलो इसे हम यूज करेंगे पाइप का। ये जा चुकी है, बस। तो मैकेनिक दोस्तों देखो चारों तरफ बैठ चुकी है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको हमको घसना पड़ेगा क्योंकि यहाँ शेडिंग नहीं खा रहा है, खोलने के बाद इसको ख़राब कर दिया है। तो चलो हम आपको उसको पॉलिश करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, मुझे खोलना पड़ेगा। ये जो हम लोगों का खरोच है, जो खरोच है इसको हमको पॉलिश करना पड़ेगा, तो चलो पॉलिश करते हैं, क्योंकि अगर खरोच हम रख देंगे तो इसमें हम लोगों का रेसार ठीक से नहीं बैठेगा और रेसार बैंड हो जाएगा। ये आप लोग गौर कर लीजिए, पॉलिश हो चुकी है, अब हम रेसार डालेंगे, ठीक है। पहले मुझे देखना चाहिए था, मेरा ही गलती है। तो चलो अब इसे अटैच करते हैं और मार के देखते हैं। अब देखो पूरे जा चुकी है, पूरा रेसार हमारा सेटिंग हो चुकी है। कपड़ा लाइए। तो मैकेनिक दोस्तों अच्छा क्वालिटी ग्रीस देना, क्योंकि पानी लगने से ग्रीस ख़राब हो जाता है। हम ये नहीं बताएंगे सबसे अच्छा बेस्ट कौन सा है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं कैस्ट्रोल यूज करता हूँ और आप लोग भी कैस्ट्रोल ही यूज करो, ये हम कहने चाहता हूँ। आपके मन में जो अच्छा लगे वही ग्रीस आप लोग लुब्रिकेट कीजिए, क्योंकि अच्छा क्वालिटी अगर हम लोग ग्रीस डालें तो पानी से हम लोग को सेप्टिक होता है और हैंडल का रेसार जो है ज़्यादा दिन जाएगा। तो चलो ऊपर में लगाते हैं। इसमें थोड़ा ग्रीस डालेंगे, ठीक है। एक ग्रीस डाल दिया, यही हम लोगों का दिक्कत होता है, काफ़ी सारे मैकेनिक गलती कर देते हैं। इसमें हम लोगों का जो सिस्टम होता है इसको पांच मत कर लीजिए, ये इसको प्ले होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी सारे मैकेनिक यहीं गलती कर देते हैं और इसको पांच कर देते हैं। तो चलो सबसे पहले हम इसे पूरा फाइनल टाइट कर लेते हैं। पूरा टाइट करेंगे, ठीक है। अभी हम हैंडल रेसार चेकअप नहीं करेंगे, बस। और नहीं जा रही है, तो चलो अब इसे थोड़ा हम ढीला करेंगे। ढीला किया और इस तरह से आहिस्ता करके ले जाएंगे, जब तक जाएगा जाएगा, और नहीं जा रही है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे।
बस यहाँ हम रख देंगे। और हमारा हैंडल देखो एकदम पूरा फ्री आ चुकी है। अब थोड़ा हम गिजा के देखते हैं तो हैंडल में थोड़ा गेजना चाहिए। काफ़ी सारे मैकेनिक गलती कर देते हैं, जो ये हम लोगों का हैंडल सेटिंग है इसमें पिले नहीं रखता है, तो पिले रखना चाहिए। अगर इस चाप का नाट जो है हम टाइट करेंगे तो ये पिले ऑटोमेटिक हट जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर पिले ना रखे, अगर चाप ना टाइट देंगे तो हैंडल जाम हो जाएगा और रेसर ख़राब हो जाएगा। तो इस पिले को हम लोगों को थोड़ा रखना है। तो चलो अब सेटिंग करता हूँ, ये रबर डालता हूँ, ठीक है। अब इसमें डालेंगे एक ये वाला नाट, ठीक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइट करने से ये रबर निकल आएगा। तो चलो अब लगाते हैं इस लॉक वाले वॉशर को। तो यहाँ हमने डाल दिया, फिर भी इसमें एक दिक्कत होता है क्या, ये जो बूश होता है ना, तो चलो इसे बूश डाल दिया। अब हम लोगों का हैंडल सेटिंग हो चुकी है। अब हैंडल फिटिंग करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा जो हैंडल हम लोगों का फ्री होता है कि नहीं। तो मैकेनिक भाइयों, इसी तरह से हम लोग बॉल रेसर शेडिंग करते हैं और फिटिंग करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक का साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।